लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नई मुंबई पुलिस आयुक्तालय जोन वन के नवनियुक्त पुलिस उपायुक्त विवेक पानसरे ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। आज मीडिया से रूबरू होते हुए डीसीपी विवेक पानसरे ने साफ संकेत दिया कि वे ऐसे पुलिसिंग चाहते हैं जिससे अपराधियों पर अंकुश लगे और सामान्य जनों को ऐसा प्रतीत हो कि पुलिस उनकी संरक्षक और सहयोगी है। पुलिस उपायुक्त ने वाहन चोरी और नशीले पदार्थों की बिक्री जैसे संगठित अपराधों को रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने में नवी मुंबईकरों से सकारात्मक सहयोग का आह्वान किया। देखिए रिपोर्ट। नवी मुंबई में अब अपराधियों पर अंकुश लगाने की बड़ी तैयारी हो गई है। जोन वन के नवनियुक्त पुलिस उपायुक्त विवेक पानसरे की चेतावनी इसका संकेत देती है। आज मीडिया से रूबरू होते हुए डीसीपी विवेक पानसरे ने कहा कि पीड़ित जन पुलिस थाने में न्याय और कार्रवाई के लिए आते हैं, उन्हें पुलिस अधिकारी समन्वय के साथ मदद करें, यह पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि हमारा लक्ष्य ऐसी पुलिसिंग करना है ताकि अपराधियों में खौफ बढ़े और जनता को पुलिस सहयोगी नजर आए। पुलिस उपायुक्त विवेक पानसरे ने वाहन चोरी और नशीले पदार्थों की बिक्री जैसे संगठित अपराधों को रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने में नई मुंबईकरों से सकारात्मक सहयोग का भी आह्वान किया। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। दो दिन पहले मैंने डीसीपी जोन वन वाशी का चार्ज लिया है। हमारी प्रायोरिटीज ऐसी है, जो पुलिस स्टेशन में तकरारदार आते हैं वो एक तो पहले ही पीड़ित होते हैं, वो लोगों की जो तकरार है वो अच्छे से सुननी चाहिए, किसके पास वो हमने इंक्वायरी के लिए दी है उसका नंबर उसको दे देना चाहिए और उसके बाद उसमें कुछ ना कुछ हल निकलना चाहिए, ये अपना मोटो होना चाहिए। ऐसी पहली बार हम लोगों ने सूचना दी है, सब लोग उसी के तहत ही प्रयत्न कर रहे हैं। जो कायदा तोड़ने वाले लोग हैं उनको पुलिस का डर होना चाहिए और जो कायदा पालन करते हैं वो पुलिस के मित्र होने चाहिए, उनको पुलिस अपने मित्र लगने चाहिए। ऐसी तरह से काम करना हम लोगों ने तय किया है और उसके तहत हम लोग हमारे आगे की मार्गक्रमण कर रहे हैं। जो अच्छी सिस्टम्स है वो सब चालू रखी जाएगी, उसके तहत ही काम होगा और भी ज़्यादा कुछ हम लोग कर सकते हैं उसका भी विचार उसमें होगा। मैं नागरिकों को ये विनती करता चाहता हूँ कि पुलिस अपने मित्र है, जो ही अच्छे लोगों के अच्छे काम है उसके लिए पुलिस हमारे हम हर टाइम आपके साथ है। जो बुरे लोग हैं उनके लिए तो पुलिस उसको मदद नहीं कर सकती और उसके खिलाफ बड़ी गंभीरता से खड़ी रहेंगी, और जो भी कुछ इलीगल गतिविधियां होती होगी तो आप लोगों के जरिए से उन्होंने हमको बताना चाहिए, उसमें हम लोग 100% एकदम कड़क ऐसा कार्रवाई करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।